गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों को संधि बताऊंगी। मेरे बच्चों ने कहा कि मैम एग्ज़ाम होने वाला है, दो दो नंबर के क्वेश्चन बता दीजिए। इसलिए मैंने सोचा कि दो दो नंबर का कर करके बच्चे पासिंग नंबर तक ये ऐसे ही ला देंगे, बाकी अपने मेहनत से जो पढ़ेंगे अच्छे नंबर ले आएंगे, है ना। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को क्या कराया था बताइए, याद तो होगा ही ना। छंद कराया था, तो छंद में से भी दो नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, समास में से भी दो नंबर के, अलंकार में से दो नंबर के, है ना। इसी तरह संधि में से भी दो नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। संधि जानने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि सबसे पहले तो इसमें अधिकतर स्वर संधि का ही पूछता है, विसर्ग संधि बहुत कम, चाहे व्यंजन संधि बहुत ही कम पूछता है। स्वर संधि में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आप लोग स्वर संधि वाले पर रखिएगा। स्वर संधि में क्या होता है, स्वर तो आप लोग जानते ही हैं कि छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ये सब स्वर होते हैं। व्यंजन में कख गघ, ये सब व्यंजन होते हैं। विसर्ग में जो बगल में अह की मात्रा लगी रहती है वे विसर्ग होते हैं। इसके बारे में तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि ये सब जानेंगे तभी संधि के बारे में अच्छी तरह समझ पाएंगे, ठीक है। तो संधि होता क्या है, सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि संधि क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, ठीक है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। व्याकरण में जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, वर्ण तो आप लोग जानते ही हैं, वर्ण या अक्षर का खग जो है, तब एक नया रूप धारण कर लेता है। इसी मेल को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। जैसे महा प्लस ईश महेश, वाक प्लस ईश वागीश, सत प्लस जन सज्जन, है ना। संधियाँ तीन प्रकार की होती है, पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि में सबसे पहले क्या होता है, देखिए स्वर संधि क्या होता है, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तब वहाँ पर स्वर संधि होता है। स्वर तो आप लोग जान गए ना, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ये सब होते हैं। तो जहाँ पर दो स्वर आपस में मिलते हैं तो वहाँ स्वर संधि होती है। जैसे विद्या प्लस आलय, ये देखिए वी पे कौन सी मात्रा लगी, छोटी आइए बड़ा आ है ना। तो विद्या प्लस आलय विद्यालय, रमा प्लस ईश रमेश, देख जिस पे नौ भी लगा रहे हैं ये उसको बड़ा हमेशा गिना जाता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। माँ बड़ी रमेश, है ना, तो रमा प्लस ईश रमेश। विसर्ग संधि क्या होती है, जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन, नहीं विसर्ग सॉरी व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन आप लोग को पहले ही बता दिया मैंने, क ख ग घ ङ, ये सब व्यंजन होता है। तो जब एक व्यंजन दूसरे स्वर या व्यंजन से मिलता है, ठीक है, तब वहाँ पर व्यंजन संधि होती है या उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, उत प्लस लास उल्लास, है ना। तो ये सब क्या है, व्यंजन ही तो हैं, क ख ग घ ङ ज झ झ ज ग त ये नाथ, ये सब क्या है, व्यंजन है, है ना। विसर्ग क्या होता है, विसर्ग संधि, जब विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का भेद होता है, जब विसर्ग के साथ स्वर आए या व्यंजन आए का भेद होता है तब वहाँ पे विसर्ग संधि होती है। जैसे मनह प्लस हर, तो इसे क्या हम लोग पढ़ेंगे, मनोहर। अह देखिए विसर्ग लगा है ना, उसके बाद क्या आया है, व्यंजन आया है। तब मनह प्लस हर मनोहर, निह प्लस आशा निराशा, बड़ा की मात्रा है ये, देखिए बड़ा की मात्रा क्या है, स्वर है। तो विसर्ग के बाद स्वर आ गया है। निह प्लस उपाय, ये भी देखिए आपका स्वर है, तो निह प्लस उपाय निरुपाय। दुह प्लस कर्म, ये देखिए ये क्या आ गया, हम लोगों का व्यंजन आ गया है ये विसर्ग के बाद, तो दुह प्लस कर्म तो दुष्कर्म, है ना। तो विसर्ग और स्वर को कैसे पहचाना जाता है ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए स्वर संधि के भी पांच भेद होते हैं, स्वर संधि के जो होते हैं पांच भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पाँचवा आयादि संधि। अब इसे बड़े आराम से आप लोग पहचान सकते हैं कि दीर्घ संधि क्या है, दीर्घ संधि को हम लोग कैसे पहचाने। दीर्घ का मतलब ही आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि दीर्घ मीन्स बड़ा होता है, तो बड़ी मात्राएं जिसमें रहती हैं वहीं पर दीर्घ संधि होगा। बड़ी मात्राएं जैसे बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, ये सब कौन सी मात्राएं होती हैं, दीर्घ
मात्राएं होती है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ संधि होता है। गुड़ में क्या होता है, ए और ओ की मात्राएं होती हैं। वृद्धि, वृद्धि मीन्स बढ़ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ओ, इसमें ए और ओ की मात्राएं हो जाएंगी, है ना। तो दीर्घ संधि के सबसे पहले हम लोग देखते हैं दीर्घ संधि क्या होती है, इसमें क्या क्या होते हैं, इसको संस्कृत में इसका जो होता है क्या सूत्र इसको बोलते हैं, दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकह सवर्ण दीर्घ, अकह सवर्ण दीर्घ। इसका नियम क्या होता है, यदि हर्षोया, यदि हर्षोया दीर्घ स्वर अ ई उ री के बाद क्रमशः हर्ष अथवा दीर्घ अ ई उ री आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, क्रमशः बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, री हो जाता है ना। उदाहरण देख लीजिए आप, धर्म प्लस धर्मार्थ, देखिए बड़ा की मात्रा आ गई, तो अ प्लस अ यानी ये अ प्लस अ मिलके बड़ा की मात्रा हो गई, बड़ा की मात्रा, तो धर्मार्थ अ प्लस अ, रवि प्लस इंद्र, छोटी छोटी, देखिए छोटी या ये छोटी मिलके बड़ी हो गई, तो रविंद्र, भानु प्लस उदय, ये भी छोटा हो, ये छोटा हो, देखिए मिलके बड़ा हो बन गया, तो भानु प्लस उदय भानुदय, पित्त प्लस पितृण, है ना, ये री री मिलके ये बड़ी री हो गई, ठीक है। तो ये दीर्घ हो गया, ये सारे दीर्घ हो गए, बड़ी बड़ी बड़ा वो री की मात्राएं लग गई। इसलिए पहचानने का एकदम बिल्कुल सिंपल तरीका है कि दीर्घ संधि को आप कैसे पहचान सकते हैं, बड़ा, बड़ी, री, ये सब हो जाएगा हम लोगों का क्या दीर्घ संधि। गुड़ संधि, गुड़ संधि का सूत्र होता आद गुड़, है यदि अ अथवा आ के पश्चात, यदि अ और आ के बाद हस्व दीर्घ छोटी छोटा उ री री आवे तो अ और ई मिलकर क्या हो जाते हैं, अ और ई मिलके जो हमारा बन जाएगा मिलकर ए, अ और उ मिलकर ओ हो जाते हैं, अ और री मिलकर अर हो जाता है, अ और री मिलकर अल हो जाता है। तो उदाहरण देख लीजिए, राम प्लस इंद्र, राम प्लस इंद्र, तो रामेंद्र, यानी ये अ, ये अ और ये ई मिलकर ए की मात्रा हो गया, है ना, अ प्लस ई, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, तो अ, ये अ प्लस छोटी ई, तो क्या हो गया, ए की मात्रा। अब ये देखिए, ये अ प्लस उ तो ओ हो गया, ये भी अ प्लस उ ओ हो गया, फिर ये भी देखिए अ प्लस उ ओ हो गया, है ना। तो ऐसे ही है, तो आत्म प्लस उत्सर्ग आत्म उत्सर्ग, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, भाग्य प्लस उदय भाग्योदय, महा प्लस ऋषि महर्षि, देव प्लस ऋषि देवर्षि, है ना। अर भी है इसमें, है ना, देख लीजिए अर, इसीलिए यहाँ पर महर्षि देवर्षि इसीलिए हुआ है अर। देखिए अ प्लस री लग के, अ प्लस री लग के अर हो जाता है। तो गुड़ संधि को हम लोग ऐसे ही पहचानते हैं कि इसमें ए की मात्रा लगी रहती है, ओ की मात्रा लगी रहती है, आदि की मात्रा लगी रहती है। तो इसे बड़े ही आसानी से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे गुड़ संधि होगा, ठीक है। आगे है हम लोगों का यड़ संधि, इसका सूत्र है इको यड़ची, यड़ संधि का सूत्र कभी पूछ देगा तो आप इसे जरूर लिख दीजिएगा, इको यड़ची। हर्ष अथवा दीर्घ अ ई रील री तथा री के बाद कोई, रील री के बाद कोई असमान स्वर आए, ई अगर ई है तो यह हो जाता है, ऊ है तो वह हो जाता है, ठीक है। ई का यह हो जाता है, ऊ का वह हो जाता है, अधी का री का र हो जाता है, अलरी का ल हो जाता है, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए, इति प्लस आदि इत्यादि, ई प्लस आ मिलकर यह हो गया, प्रति प्लस आशा प्रत्याशा, तो ई प्लस आ या प्रति प्लस आशा प्रत्याशा, यदि प्लस अपि यद्यपि, प्रति प्लस एक प्रत्येक, देव प्लस आदेश दिव्यादेश, मधु प्लस हरि मध्वरी, सु प्लस आगतम स्वागतम, पित्र प्लस आज्ञा पिताज्ञा, ली प्लस आकृति लाकृति, है ना। तो यहाँ पे हमेशा हम लोगों कौन सा अलंकार हो जाएगा, अरे सॉरी,
संधि हो जाएगी, यण संधि। ठीक है, अब हमारा अगला है अयादि संधि। इसका सूत्र है एव अय ई वायाव, अयो अय वायाव। तो जब ए ऐ ओ ओ के आगे, ध्यान रखिएगा, जब ए ऐ ओ ओ के आगे कोई स्वर आए तो उन एच के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है, आय आय या अव आव हो जाता है। ए ऐ ओ ओ के आगे कोई स्वर आता है तो उन एच के स्थान पे आय आय अव आव हो जाता है, अर्थात ए के स्थान पे आय, अ के स्थान पर आय और अ के स्थान पर आव हो जाता है। जैसे देखिए, ने प्लस अनम नयनम, नय प्लस अकह नायक, पो प्लस अंत अन पा पवन, पौ प्लस अकह पावक, नौ प्लस इक नाविक। इसे पहचानने का एक और सिंपल तरीका है, इसमें जो भी वर्ड रहते हैं ध्यान रखिएगा तीन ही अक्षर में लिखे रहेंगे, जैसे नमन नयन है, पवन है, पावन है, पावक है, नायक है, अधिकतर ये तीन अक्षरों में ही रहते हैं, इसलिए इसको पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है आदि संधि को तीन ही अक्षर रहेंगे। ठीक है, आए आए अव आओ से ये चेंज होते हैं, है ना, व लग जाएगा, य लग जाएगा, बात को ध्यान रखिएगा। पांचवा है हम लोगों का पूर्ण रूप संधि। इसका इसका है वो सूत्र एंड पदान तादति। किस यदि किसी पद के अंत में एकार या उकार एन हो और उसके बाद में अ आ जाए तो दोनों ही स्थान में क्रमशः एकार या उकार पूर्ण रूप हो जाता है। चिन्ह अ की पूर्व स्थिति के सूचक के रूप में डबल रख दिया जाता है, डबल चिन्ह हो जाता है। जैसे यद्यपि ये वाला आता नहीं है संधि, फिर भी पढ़ा दे रहे हैं आप लोगों को, अधिकतर उसी में से आता है, स्वर संधि में से। देखो हरे प्लस अव तो हरेव, देखिए ये हो गया जिसको आधा बोलते हैं हम लोगों, विष्णु प्लस अव विष्णु। अब पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि क्या है से ध्यान से देखिएगा आप लोग, देख लीजिए एक बार, यद्यपि आएगा नहीं फिर भी एक बार पढ़ाना मेरा काम है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग भी। यदि अकरांत उपसर्ग के बाद यदि धातु जिसके आरंभ में ए अथवा ओ हो तो उपसर्ग का अ, उपसर्ग तो आप जानते हैं ना आगे वाला, अच्छा जैसे उपसर्ग ये आगे वाला हो जाएगा उपसर्ग, इधर क्या हो जाता प्रत्यय होता है ना, तो अ तथा धातु के ए या ओ दोनों के स्थान पर ए या ओ हो जाता है। जैसे प्र प्लस ए जते तो प्रे, प्रे जते उ प्लस ओसती तो उपोसती। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम लोगों का ये चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद।